जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका परीक्षा कोचिंग सेंटर के YouTube चैनल पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं ब्रह्मास्त्र सीरीज के हिंदी के वीडियो के बारे में। इससे पहले मैंने दो वीडियो बना दिया था जिसका आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है। मुझे आशा है कि इस वीडियो को भी आप लोग तहे दिल से इसको भी अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। तो जितने बच्चे हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हैं, मैं उनसे तहे दिल से स्वागत करता हूं हमारे चैनल पे, और उनसे गुजारिश करता हूं कि आप लोग जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों के साथ हमारे वीडियो को शेयर करें ताकि वह भी अच्छे तरीके से इस बार माध्यमिक का प्रिपरेशन कर पाएँ। हमारा यह कोशिश है कि वेस्ट बंगाल के ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे अच्छे अच्छे नंबर से पास होकर एक अपना मुकाम हासिल कर पाएँ। तो इसी के साथ आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। आज का जो वीडियो होने वाला है वो भी हिंदी के महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चंस के ऊपर है, जिसमें मैंने चुन चुन कर उस क्वेश्चंस को लाया हूँ, और मुझे आशा है कि आप लोगों को ये सारे क्वेश्चंस आते हों, और जो भी आपको नहीं आता है उसे अपने कॉपी में नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं हम लोग क्वेश्चंस के ऊपर और समझते हैं आज के पहले क्वेश्चन को। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, रैदास की भक्ति है, यानी रैदास की जो भक्ति है वो किस प्रकार की भक्ति है हमें बताना है। ऑप्शंस दिया गया है, वात्सल्य भाव की, साख्य भाव की, समर्पण भाव की, या इनमें से कोई नहीं। तो मेरे दोस्त, जो यहाँ पर रैदास की जो भक्ति भावना थी वो हमारा समर्पण भाव की, ऑप्शन नंबर जो ग होगा वो सही होगा। जो रैदास की भक्ति भावना है वो समर्पण भावना की भक्ति है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, कबीर दास के अनुसार संसद की गांठ कैसे नहीं छूटती। एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है ये प्रिंटिंग थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ पर यहाँ कबीर दास नहीं होगा, यहाँ पर रैदास होगा, ठीक है, यहाँ पर रैदास होगा, और ये संसद नहीं होगा, एक्चुअली में संशय होगा, संशय। तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ संशय, संशय क्या है भाई? संशय का अर्थ होता है संदेह, ठीक है। तो पूछा है, रैदास के अनुसार संशय की गांठ कैसे नहीं छूट सकती, भक्ति के बिना, ज्ञान के बिना, राम के बिना, या सत्संग के बिना? तो इसका सही उत्तर होगा राम के बिना। राम के बिना संशय की गांठ नहीं छूट सकती, ठीक है। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन हमारा है कि अविगत को खोजते खोजते किसने जन्म गवा दिया, किसने अपना जन्म गवा दिया, रैदास ने, शिव ने, संकादिक ने, या ब्रह्मा ने? तो आराम से हम लोग जानते हैं, शिव संकादिक अंत न पाया, खोजत ब्रह्मा जन्म गवाया। तो पता ही चल रहा है कि पंक्ति में ही पता चल रहा है कि यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो ब्रह्मा ने अपना जन्म गवा दिया था, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन, किसके सीधेपन की तुलना लाठी से की गई है, साफिया, सुबेदारिणी, अनामिका, या नौरंगिया? तो जैसा कि हम लोग पढ़े हैं नौरंगिया चैप्टर, तो नौरंगिया का जो सीधा सीधापन है, भोला भालापन है, उसकी तुलना लाठी से की गई है, ठीक है। चलिए, कर्ण की सहायता का प्रस्ताव रखने वाले सर्प का क्या नाम था, विश्वसेन, अश्वसेन, अर्जुन, या लक्ष्मण सेन? तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, कर्ण की सहायता देने वाले जो सांप आया था उसका नाम था अश्वसेन, ठीक है, उसका नाम क्या था भाई, अश्वसेन। चलिए ऑप्शन नंबर जो ख है वो उसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला बात करते हैं, कर्ण के तर्कस में कौन छिपा बैठा था, विश्वसेन, अश्वसेन, अर्जुन, या लक्ष्मण सेन, ठीक है। तो कर्ण के तर्कस में छिपा था अश्वसेन नामक सांप, तो ऑप्शन नंबर जो ख है वही सही उत्तर होगा। सातवां नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, सातवां नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है, दिनकर की किस कृति पर भारतीय ज्ञानपुर पुरस्कार मिला था, रसवंती, उर्वशी, हुंकार, या परशुराम की प्रतीक्षा? तो देखिए, दिनकर जी, रामधारी सिंह दिनकर जी के उर्वशी जो रचना है, उर्वशी के लिए उन्हें भारतीय ज्ञानपुर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कर्ण को राधे कहा गया है क्योंकि राधा ने उन्हें जन्म दिया था, राधा ने उनका पालन पोषण किया था, राधा उसे शस्त्र विद्या सिखाई थी, या राधा को कर्ण से सहायता दी थी? देखिए, जैसा कि हम लोग कर्ण जानते हैं, तो कर्ण जो है वो कुंती के पुत्र थे, ठीक है। तो पांचों पांडव के अलावा जो कर्ण है वो उनके छठे पुत्र थे, जो कि इनके विवाह से पहले ही सूर्य के आशीर्वाद से उत्पत्ति हुई थी उनकी। तो कुंती ने उनको गंगा में बहा दिया था, जिसका पालन पोषण राधा नाम की जो धोबी होती है उन्होंने इसका इनका पालन पोषण किया था।
तो कर्ण जो थे वो अपनी माँ के नाम से जाने जाते हैं, तो इसीलिए जो राधा ने उनका पालन पोषण किया था, ऑप्शन नंबर जो ख है वो सही होगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को बहुत ही अच्छा लग रहा होगा वीडियो। वीडियो जितना ज़्यादा हो सके दोस्त अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में तथा क्वेश्चन सिलेक्ट करने में, तो हम चाहेंगे कि आप लोग जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों के साथ हमारे वीडियो शेयर करें ताकि वह लोग भी अच्छे तरीके से पढ़ पाएँ। चलिए आगे बात करते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, मधुशाला के रचनाकार कौन है? राम नरेश त्रिपाठी, बच्चन, रघुवीर सहाय या पंत? तो बच्चन कोई और नहीं, हरिवंश राय बच्चन जी हैं और मधुशाला उन्हीं की रचना है। ऑप्शन नंबर ख जो है वो सही उत्तर होगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, नीर का निर्माण फिर किस प्रकार की कविता है? आशावादी कविता है, निराशावादी कविता है, विध्वंस मूलक कविता है या भाग्यवादी कविता है? तो ये जो नीर का निर्माण फिर है मेरे दोस्त, वो आशावादी कविता है। ऑप्शन नंबर क जो है वो सही उत्तर होगा। चलिए, नीर का अर्थ होता है क्या? नीचे, भीड़, घोंसला या नींद? जैसा कि हम लोग नीर का निर्माण फिर पढ़ा है, मैंने भी पढ़ा है अपने यूट्यूब चैनल पर, वहाँ पर स्पष्ट रूप से मैंने बताया था कि जो नीर है उसका अर्थ होता है घोंसला। जिस प्रकार एक चिड़िया कितनी भी विपत्ति या मुसीबत आने के बाद घोंसले का निर्माण नहीं छोड़ती, अपने पुनः जीवन को पटरी पर लाने का प्रयास करती है, उसी प्रकार मनुष्य भी जब उसके जीवन में बहुत सारी विपदाएँ, बाधाएँ, मुसीबतें आती हैं तो उसे भी हताश तथा निराश नहीं होना चाहिए। एक चिड़िया के माध्यम से हरिवंश राय बच्चन जी ने यह संदेश दिया था। ठीक है, चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कवि रविंद्रनाथ टैगोर भगवान से क्या प्रार्थना कर रहे हैं? विपदा में कभी ना घबराने की, विपत्ति से बचाने की, स्वस्थ रहने की या धन दौलत देने की? तो ऑप्शन नंबर जो क है वो एकदम सही आंसर है, विपदा में कभी ना घबराने की। ठीक है, विपदाओं से मुझे बचाओ या मेरी प्रार्थना नहीं, केवल इतना हो करुणा में कभी ना विपदा में पाऊँ भय। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी बोलते हैं कि विपदा में मुझे घबरा ऐसा शक्ति दीजिए कि मैं कभी विपदा में ना घबराऊँ, मुझे बचाने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, आत्मत्राण कविता के रचयिता कौन है? आत्मत्राण कविता किसने लिखा है? वीरेंद्र रंगवाला, कॉफी आजमी, रामधारी सिंह दिनकर या रविन्द्रनाथ ठाकुर? जैसा कि आत्मत्राण हम लोगों ने पढ़ा है तो हम लोग जानते ही हैं कि आत्मत्राण के रचनाकार कौन होंगे मेरे दोस्त, तो रविन्द्रनाथ ठाकुर। रविन्द्रनाथ टैगोर भी ऑप्शन हो सकता है, रविन्द्रनाथ ठाकुर भी हो सकता है। ठीक है, चलिए प्राची का अर्थ है, प्राची का क्या अर्थ है? 14 नंबर क्वेश्चन है हमारा, प्राचीन, प्राचीर, पूर्व दिशा या प्रार्थना? तो प्राची का अर्थ होता है मेरे दोस्त पूर्व दिशा। ठीक है, प्राची यानी पूर्व दिशा, यानी पूर्व दिशा से ही सूर्य उगता है, उसी के बारे में बताया गया। अगला क्वेश्चन, नव के ब्रज दंत कैसे होते हैं? ठीक है, कोमल होते हैं, क्रुद्ध होते हैं, कठोर होते हैं, नुकीले होते हैं, कैसे होते हैं भाई? तो वो होते हैं क्रुद्ध। ऑप्शन नंबर ख इज अ राइट आंसर। चलिए, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किस साहित्यकार को मिला है? दिनकर, बच्चन, कीर्ति चौधरी या रघुवीर सहाय? ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा बच्चन जी। जो हरिवंश राय बच्चन जी थे, इन्हीं को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार मिला था और ये जो क्वेश्चन है 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आपसे इससे संबंधित क्या है, क्या समझ में आ रहा है इससे, कि जो पुरस्कार है वो भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम में। पुरस्कार से भी किसको कौन सा पुरस्कार मिला, कब मिला, क्यों मिला, किस रचना के लिए मिला, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि जब भी आप पढ़ें तो कवि तथा लेखक के बारे में अच्छे तरीके से पढ़ लें, और कहानी के बारे में तो पढ़ना ही है, कहानी पढ़ ही लेते हैं। ठीक है, तो लेखक और उसके कृति तथा उसके कौन कौन सा सम्मान मिला है, उन सभी चीज़ों के बारे में भी आप अच्छे तरीके से पढ़ लें। चलिए अपना अगला क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन, हरिवंश राय बच्चन जी भारत सरकार के किस विभाग में हिंदी विशेषज्ञ थे? कला एवं सांस्कृतिक विभाग, राज्य भाषा विभाग, विदेश मंत्रालय या निर्वाचन विभाग? तो जैसा कि हरिवंश राय बच्चन जी जो थे वो भारतीय सरकार के विदेश मंत्रालय में थे। ऑप्शन नंबर जो ग है वो सही उत्तर होगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बिस्मिल्ला खां अपनी कला को किसकी देन मानते हैं? माँ की, खुदा की, गुरु की या मामा की? तो बिस्मिल्ला खां जो हैं वो अपनी कला को खुदा की देन मानते हैं। ठीक है, चलिए
मृत्यु से कुछ समय पहले बहुत साफ हो जाता है। क्या साफ हो जाता है? पानी, पाप पुण्य, स्मृति या अंधकार? तो देखिए, मृत्यु से अगर पहले स्मृति साफ हो जाता है, ठीक है। और ये किस चैप्टर का, याद रखिएगा, साफ साफ एकदम देखें कि मृत्यु से कुछ समय पहले बहुत साफ हो जाता है। प्रस्तुत पंक्ति किस पाठ से ली गई है ये आपको कमेंट कर बताना है, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन जो है, मृत्यु के कुछ समय पहले बहुत साफ हो जाता है, ये किस पाठ से ली गई है आपको कमेंट में कमेंट कर बताना है, ठीक है। मुझे आशा है कि आप लोग अच्छे तरीके से बताएंगे। चलिए, बिस्मिल्लाह खां नमाज के बाद सजदे में क्या मांगते थे? यश, शूर, धन या पुत्र? तो बिस्मिल्लाह खां जो थे मेरे दोस्त, वो सुर मांगते थे। क्या मांगते थे? सुर मांगते थे। चलिए, डुमराओं की प्रसिद्धि का कारण क्या है? नगाड़ा, बिस्मिल्लाह खां की जन्मभूमि, सोन नदी का होना, बिस्मिल्लाह खां की जन्मभूमि तथा वहां नरकट मिलने के कारण। तो ऑप्शन नंबर जो घ है वो सही होगा, ठीक है ना। डुमराव इसलिए प्रसिद्ध था क्योंकि वहां पर बिस्मिल्लाह खां का एक तो जन्म हुआ था और दूसरा वहां नरकट की घास पाई जाती है जिससे ये सहनाई बनते थे, ठीक है। चलिए, नौबत खाने में इबादत कौन करता है? अलीबख्श, शमसुद्दीन, बिस्मिल्लाह खां या सबीर हुसैन? तो देखो, जो नौबत खाने इबादत है, जो लोग चैप्टर ही पढ़े हैं, तो वो बिस्मिल्लाह खां के ऊपर ही है। तो बिस्मिल्लाह खां ही ना इबादत करते होंगे, ठीक है। तो बिस्मिल्लाह खां आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग। 23वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, लहना सिंह के मामा का घर कहाँ था? चंडीगढ़ में, लाहौर में, गुरु बाजार में या मीना बाजार में? तो जो लहना सिंह है मेरे दोस्त, उसका मामा का जो घर है वो गुरु बाजार में था। कहाँ था? गुरु बाजार में। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ग जो है वो सही है। याद रखिएगा, अगले क्वेश्चन में एक बार आया था कि मामा के घर कौन आए थे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है, उसने कहा, जो चैप्टर है उसमें लड़की और लड़का दोनों ही मामा के घर पे आए होते हैं, ठीक है। तो यदि लहना सिंह भी आप टिक मारते हैं तो सही है, उसके अलावा यदि लड़की भी है तो भी सही है, ठीक है। याद रखिएगा, दोनों ही अपने अपने मामा के घर पे आए थे, ठीक है। चलिए, 24 नंबर क्वेश्चन है हमारा, उसने कहा था शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? चंद्रशेखर, ममता कालिया, चंद्रधर शर्मा गुलेरी या यशपाल? तो जैसा कि हम लोग इतनी बार पढ़ चुके हैं कि उसने कहा था शीर्षक कहानी के जो लेखक हैं भाई, चंद्रधर शर्मा गुलेरी है, ठीक है। चलिए, सिख राइफल में लहना सिंह था, ठीक है। सिख राइफल में लहना सिंह का कौन सा पोस्ट था? सिपाही था, नायक था, जमादार था या सूबेदार था? तो सिख राइफल में जो लहना सिंह था वो भाई साहब जमादार था, ठीक है ना। क्वेश्चन पूछता है कि सिख राइफल में लहना सिंह का कौन सा पोस्ट था, ठीक है। चलिए, माँ जेनको को क्या कहकर पुकारती थी? 26वां क्वेश्चन है हमारा, जीनिया, चेंजलिंग, जुगनू या जामिया, ठीक है। तो माँ जो है उसको चेंजलिंग करके, ऑप्शन नंबर ख जो है चेंजलिंग करके पुकारती थी, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन पढ़ रहे हैं हम लोग। 27वां क्वेश्चन हमारा है, चौकीदार जेनको को कहाँ ले गया? अस्तबल में, अपने घर में, न्यायालय में या थाने में? तो जेनको को जो चौकीदार था उसको अस्तबल में ले गया था, ठीक है। बड़ी मार मारा था बेचारा को ले जाकर, वहां पर अस्तबल में ले गया था, ठीक है। चलिए, नन्हा संगीतकार का नामकरण किसने किया? मतलब वो जो छोटा सा बच्चा था उसका नामकरण किसने किया था? चर्च के पादरी ने, उसकी माँ ने, पड़ोसी ने या लाहौर की स्त्री ने? जैसा कि ऑप्शन से ही पता चल गया होगा, ठीक है, कौन किया था? तो लाहौर की स्त्री ने उसका नामकरण किया था, ठीक है। जल्दी जल्दी किया था क्योंकि ऐसा मानना था कि यदि नामकरण से पहले बच्चा मर गया तो उसकी आत्मा कहाँ होगी? भटकेगी। इसलिए लोहार की जो स्त्री थी उसने झटपट उसका नाम रख दिया था, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 29 नंबर क्वेश्चन है कि हाजरा सिंह था, हाजरा सिंह क्या था? नायक था, सिपाही था, सूबेदार था या जमादार था? तो जो हाजरा सिंह था मेरे दोस्त, वो सूबेदार था, ठीक है ना, सूबेदार था, बोधा सिंह का पिताजी, ठीक है, सूबेदार थे। चलिए, चौकीदार ने बच्चे की पिटाई किससे की, ठीक है? वायलेंस से, सारंगी से, बेत से या जूतों से, ठीक है। तो जो चौकीदार था वो बड़ी मार मारा था बच्चे इनको को बेत से, ठीक है। किससे मारा था? बेत से। ऑप्शन नंबर ग जो है वो सही उत्तर होगा। 31 नंबर क्वेश्चन है, जिनको को सबसे अधिक किस चीज से मोहब्बत थी? संगीत से, तैरने से, पढ़ाई से या खेलने से? तो जिनको हमारा जिस चीज के लिए मर गया और जिससे उसको सबसे ज्यादा प्रेम था वो था संगीत। अगर उस जैसे बच्चों को समाज अगर थोड़ा सा उसके लिए दयावान होता
तो शायद वह अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ कर पाता, लेकिन ये निर्दयी समाज उसे जीने नहीं दिया। बहुत दुख होता है ऐसे ऐसे बच्चों का इस प्रकार से निर्ममता से हत्या हो जाना, एक तरह से यह हत्या ही है। ठीक है, कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। जिनको कहाँ दुबक कर बैठा था, लताओं के बीच, पक्षियों के बीच, मित्रों के बीच या पशुओं के बीच। ऑप्शन नंबर जो क है, लताओं के बीच में जिनको जो था वो छुपकर बैठा हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 33। किसको बचाने के लिए रंगैया आग के लपटों में कूद पड़ा, अपना पड़ोसी को, अपनी भैंस को, पड़ोसियों को या मास्टर साहब की चप्पल को। तो जो रंगैया था, हमें पता है कि मास्टर साहब की चप्पल को बचाने के लिए आग के लपटों में कूद पड़ा था। इस प्रकार का शिक्षक प्रेम जो एक व्यक्ति के अंदर था, वास्तव में समाज के लिए अद्वितीय है। सच में बताएं तो ये जो कहानी है ये रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी है। इसको जब हम लोगों ने पढ़ाया और जब बच्चों ने इसे पढ़ा तो उनके अंदर भी बहुत सारी संवेदनाएं रंगैया के प्रति जागृत हुई और हमें भी बहुत ही ज़्यादा इसके प्रति संवेदना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रंगैया के बेटे का क्या नाम था, रमन, शरद, भुवन या मदन। तो जो रंगैया का बेटा था उसका नाम था रमन। ठीक है, चलिए। पोली क्या कर रही थी, इमली खा रही थी, खटाई खा रही थी, सड़ा हुआ आम खा रही थी, इनमें से कुछ नहीं। तो मैं जो पोली थी वो सड़ा हुआ आम खा रही थी। ठीक है, गरीबी की हद दिखाई गई वहाँ पे, सड़ा हुआ आम खा रही थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है। रमन की आयु कितनी थी, 7 वर्ष, 8 वर्ष, 5 वर्ष या 3 वर्ष। तो जो रमन था वो भाई साहब 8 वर्ष था, ऑप्शन नंबर ख सही होगा। चलिए, रेलवे प्लेटफॉर्म वाला होटल कहाँ था, नाले के पास, स्टेशन के पास, गुरुद्वारे के पास या नल के पास। तो जो रेलवे प्लेटफॉर्म वाला होटल था वो नल के पास था, ऑप्शन नंबर जो घ है वो राइट आंसर होगा। आगे बात करते हैं। रमन के कंधे पर क्या लटक रहा था, थैला, किताबों का बस्ता, जूतों का डब्बा या मास्टर साहब के चप्पल। 38 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि रमन के कंधे पर क्या लटक रहा था, थैला, किताबों का बस्ता, जूतों का डब्बा या मास्टर साहब के चप्पल। तो जो बच्चा रमन था वो उसके कंधे पर जो था वो किताबों का बस्ता लटक रहा था। याद है क्या लटक रहा था भाई, तो किताबों का बस्ता, ऑप्शन नंबर जो ख है वो सही उत्तर होगा। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पोली रंगैया को क्या कहकर बुलाती थी, चाचा, मामा, बाबा या दादा। तो आंसर होगा इसका, जो पोली थी वो रंगैया को मामा कहकर पुकारती थी, ऑप्शन नंबर ख सही होगा। चलिए, अशोक दा किस पद पर कार्यरत थे, चीफ पर्सनल मैनेजर, सूबेदार, जमादार या इनमें से कोई नहीं। तो जो अशोक दा थे वो चीफ पर्सनल मैनेजर थे। ठीक है ना, चलिए 41वां क्वेश्चन देखते हैं। भंबल दा के भाई का क्या नाम था, अशोक दा, सुरेश दा, दिनेश दा या राकेश दा। ठीक है, जैसा कि बंगाली है तो समझ में ही आ रहा होगा दा लगाना चाहिए, तो यहाँ पर होगा अशोक दा। जो भंबल दा के भाई थे वो अशोक दा थे और वो क्या थे, क्या थे, यहाँ पे दिया गया है देखिए चीफ पर्सनल मैनेजर। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, माँ किसके साथ रहती थी। ठीक है, ये अचानक दे देगा अगर माँ किसके साथ रहती थी। ये जो क्वेश्चन है ये 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, ये 2020 में है। अब आप बोलिएगा भाई साहब कि माँ किसके साथ रहती थी, किसकी माँ, कैसी माँ। अगर आपने चैप्टर बढ़िया से नहीं पढ़ा होगा तो आपको ये समझ में ही नहीं आएगा कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। ठीक है, तो ये धावक कहानी का है और जो माँ थी वो भंबल दा के साथ में रहा करती थी, ऑप्शन नंबर जो ख है वो सही होगा। अशोक दा के साथ नहीं रहती थी, अशोक दा तो घर जमाई बन गया था जाके। ठीक है, चलिए, भंबल दा का पूरा नाम क्या था, मधुसूदन बनर्जी, अशोक बनर्जी, भवरंजन बनर्जी या भावेश बनर्जी। तो जो भंबल दा थे वो थे भवरंजन बनर्जी, नाम से ही पता चल रहा है। चलिए 44वां क्वेश्चन देखते हैं, 44 नंबर क्वेश्चन। पाकिस्तान में साफिया के सगे कितने भाई रहते थे, 44वां क्वेश्चन है हमारा। क्या होगा इसका आंसर, इसका उत्तर होगा 3 भाई, 2, 3, 4, 5 कितने हो गए, तो 3 भाई थे साफिया के, 3 भाई रहते थे पाकिस्तान में। ठीक है, नमक कहानी किस घटना पर आधारित है, भारत बांग्लादेश विभाजन,
पाकिस्तान बांग्लादेश विभाजन, पाक भारत विभाजन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो नमक कहानी है वो पाक भारत विभाजन यानी पाकिस्तान और भारत विभाजन के घटना के आधारित घटना के ऊपर जो है यह आधारित कहानी है। साफिया अपने भाई से मिलने कहाँ जा रही थी, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद या पंजाब? तो ऑप्शन नंबर जो क है, जो साफिया थी वो अपने भाइयों से मिलने के लिए लाहौर जा रही थी। देखो उसके भाई लाहौर में रहते थे। यह हिंदुस्तान पाकिस्तान की एकता का मेवा है, मेवा क्या है? यह हिंदुस्तान पाकिस्तान की एकता का मेवा है, ठीक है, याद रखिएगा। मेवा क्या है भाई? संतरा, गुलाब का फूल, कीनू या लाहौरी नमक, ठीक है। तो कोई कोई को समझ में आएगा, ओ शायद तो सिख बीबी ने तो उसको नमक लेने के लिए भेजा था, तो हो सकता है कि ये डायलॉग इसीलिए दी होगी कि हिंदुस्तान पाकिस्तान की एकता का मेवा है। नहीं, यहाँ जो होगा कीनू उत्तर होगा। कीनू जो है वो हिंदुस्तान पाकिस्तान, ये फल है, ठीक है, हिंदुस्तान पाकिस्तान की एकता का मेवा है। चलिए 48वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सुनील दास गुप्ता को उपहार में मिली पुस्तक के बाई ओर किसकी तस्वीर थी? 48 नंबर क्वेश्चन है हमारा। इसमें क्या होगा, नसरुल इस्लाम की, इकबाल की, टैगोर की या गालिब की? तो इसका उत्तर होगा टैगोर का। जो सुनील दास थे उनके जो पुस्तक मिला था उसके जो अंतिम पीछे बैक कवर में जो फोटो था वो टैगोर का, रविंद्रनाथ टैगोर के चित्र था, ठीक है। मोहब्बत तो कस्टम से इस तरह गुजर जाती है कि कानून हैरान रह जाता है। यह अंश किस कहानी से लिया गया है, धावक, नामक, नमक, उसने कहा था या चप्पल? जिस किसी ने भी अच्छे तरीके से चैप्टर पढ़ा होगा उसे इसका उत्तर भली भांति पता होगा, ठीक है। मैं बार बार कहता हूँ ये जो क्वेश्चन है 2020 में आ चुका है, वह क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा VVI था उस समय, सॉरी 20 में भी नहीं, 18 में, ठीक है, 2018 में आया था ये क्वेश्चन, 20 में नहीं आया था, ठीक है। तो इससे क्या पता चलता है कि कुछ कोट्स भी दे दिए जा सकते हैं, ठीक है। यदि आप लोग अच्छे तरीके से चैप्टर नहीं पढ़ेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो मोहब्बत तो कस्टम से इस तरह गुजर जाती है कि कानून हैरान रह जाता है, ये जो डायलॉग है यह डायलॉग नमक कहानी से है, ठीक है, याद रखिएगा। किस चैप्टर से है? नमक कहानी से। चलिए साफिया ने 50वां क्वेश्चन है और हमारा इस बार का अंतिम क्वेश्चन है। साफिया ने बातचीत करने वाले दूसरे कस्टम अधिकारी का नाम था मुनीम दास, सुनील दास, सूफी दास या रहीम दास? उसका नाम था सुनील दास। ऑप्शन नंबर ख इज द राइट आंसर। इस प्रकार मेरे दोस्त हम लोगों ने हिंदी के 50 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया। मुझे आशा है कि आप लोगों को यह भली भांति वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा और इससे आप लोग बहुत ज़्यादा सीख पा रहे होंगे। क्वेश्चंस ज़्यादा टफ नहीं थे, ज़्यादा मुश्किल से नहीं था। मुझे आशा है कि इस 50 क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपको आते हों और जो भी क्वेश्चन आपको नहीं पता था उसे आप लोग अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। मुझे आशा है कि आप लोग इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सकेंगे शेयर ज़रूर करेंगे और जो भी लड़के या बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं वो इस वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दें और जिसके कारण उन लोगों को भी अच्छे तरीके से माध्यमिक का प्रिपरेशन हो सकेगा। तो अब हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में नए जोश के साथ और बहुत बहुत अच्छे से क्वेश्चंस को लेके आएंगे जिसके कारण आप लोगों का प्रिपरेशन अच्छा होगा। तो अब लेते हैं अलविदा। जय हिंद, जय भारत।